बेसिक इंग्लिश कन्वर्जेशन सीरीज के 7वें वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज हम देखते हैं कुछ नए सेंटेंस और उनके हिंदी में मीनिंग किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है हैव अ परगेटिव। देखिए, अब तक जो हम सेंटेंस की बात कर रहे थे वो सब हम स्वास्थ्य से संबंधित सेंटेंस या हेल्थ से रिलेटेड सेंटेंस की ही बात कर रहे हैं। तो बाज दफे डॉक्टर हमें ये राय दे सकते हैं हैव अ परगेटिव, जिसे कहते हैं हिंदी में जुलाब लेना। अगर हमारा कॉन्स्टिपेशन बिगड़ जाए, पेट खराब हो जाए, तो हमें जुलाब दिया जाता है, तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? हैव अ परगेटिव। हैव मीन्स ले लो, अ परगेटिव मीन्स जुलाब। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वॉट एल्स यू, का मीनिंग होता है आपको क्या तकलीफ है। वॉट एल्स यू, यहां पर वॉट मीन्स क्या, तकलीफ मीन्स एल्स, एंड यू मीन्स आपको। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज फेड अप विथ हिज लाइफ, वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है। यहां पे ही मीन्स वो, इज फेड अप मीन्स तंग आ चुका है। जब हम किसी चीज से बेजार हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं, तब हम ये सेंटेंस फेड अप ये वर्ड यूज करते हैं सेंटेंस में। तो जिंदगी से तो तंग नहीं आना चाहिए कभी भी, क्योंकि जिंदगी बहुत अनमोल चीज है, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। तो परेशानी अगर आती भी है तो इट इज फॉर जस्ट फ्यू डेज या फ्यू मंथ्स, लेकिन बाद में फिर उसके बाद राहत जरूर आती है। तो वी शुड नॉट गेट फेड अप विथ लाइफ। सो यहां पर फेड अप मीन्स तंग आ चुका है। नेक्स्ट इज विथ, विथ का मतलब है से, हिज लाइफ, अपनी जिंदगी से। यहां ये कंफ्यूजन में नहीं जाना चाहिए कि फ्रॉम हिज लाइफ, नहीं, विथ हिज लाइफ। नेक्स्ट एग्जांपल इज अवॉइड क्वैक्स, नीम हकीमों से बचो या नीम हकीम से। नीम हकीम कहते हैं ऐसा डॉक्टर जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, मालूमात नहीं है, लेकिन वो डॉक्टरी कर रहा है, लोगों का इलाज कर रहा है, तो उसे नीम हकीम कहते हैं। जैसे कहावत है हिंदी में, नीम हकीम खतरे जान, यानी लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए, अवॉइड मीन्स उनसे बचना है, अवॉइड मीन्स से बचे। आप किसी को भी अगर ये बोलना चाह रहे हो अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड लिक्वर फॉर लॉन्ग एंड स्मूथ लाइफ, हैप्पी लाइफ, तो अवॉइड मीन्स बचना, क्वैक्स कहते हैं यहां पर नीम हकीम को। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द डॉक्टर कुड नॉट डायग्नोज हिज डिजीज, डॉक्टर उसकी बीमारी मालूम नहीं कर सका, कुड नॉट डायग्नोज द डॉक्टर, ये कोई पर्टिकुलर डॉक्टर जब हम बोल रहे हैं तो हम द को लगा सकते हैं, द डॉक्टर, यहां पर उसके मीनिंग सिर्फ हो रहा है डॉक्टर। कुड नॉट मीन्स नहीं कर सका, आप ये कहीं भी यूज कर सकते हैं, ही कुड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, ही कुड नॉट फिनिश हिज फूड। तो कुड नॉट यानी जब कोई कार्य नहीं हो पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उसे हम कुड नॉट कहते हैं। डायग्नोस मालूम करना, अक्सर ये डॉक्टरी फील्ड में इस चीज का इस्तेमाल होता है, डायग्नोस करना यानी बीमारी का पता लगाना, मालूम करना। और हिज मीन्स उसकी, डिजीज मीन्स बीमारी। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है द डेथ रेट इज इंक्रीजिंग, मृत्यु दर बढ़ रही है। हम अक्सर देखते हैं कि मृत्यु दर यानी लोगों की मरने की जो स्थिति है वो दिन ब दिन हमारा लाइफ स्पैन कम होता जा रहा है। इसके बहुत से रीजन है, आई डोंट वॉन्ट टू गो इन ऑल दैट, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो डेथ रेट बढ़ रही है यानी लोग अब पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से मर रहे हैं, कम एज में मर रहे हैं, क्योंकि हम फास्ट फूड और बहुत सी चीजें हैं इसमें, आई डोंट वांट टू गो इन ऑल दैट डिटेल। तो द डेथ रेट मीन्स मृत्यु दर, इज मीन्स है, इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ रही है, तो इंक्रीज यानी बढ़ना, और इसको अपोजिट क्या होता है, डिक्रीज यानी कम होना। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज योर नोज इज रनिंग, तो यहां पर अक्सर हम ये सोचते हैं, जैसे यहां इसका मीनिंग हो रहा है आपकी नाक बह रही है। अब बहने के लिए हमें एक वर्ड है इंग्लिश में फ्लो,
लेकिन हम नोज के लिए वो वर्ड यूज नहीं करते हैं. यू कैन नॉट से योर नोज इज फ्लोइंग, यू कैन से योर नोज इज रनिंग. अब रनिंग का मतलब हम ये समझते हैं सिर्फ दौड़ना, लेकिन सिर्फ दौड़ना नहीं होता. आप नाक अगर किसी की जुकाम की वजह से, कोल्ड की वजह से अगर बह रही है, तो उसे हम ये इस तरीके से हिंदी में बोल सकते हैं. योर मीन्स आपकी, नोज मीन्स नाक, इज है रनिंग मीन्स बह रही है. देखिए रनिंग का मीनिंग होता है दौड़ना, ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है. लेकिन इस वाक्य में, इस सेंटेंस में रनिंग का मतलब है बह रही है. तो इस तरीके से हम बार बार ही इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जहां भी किसी वर्ड के कोई मीनिंग अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस नहीं लिए जाएंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं लिए जाएंगे, वहां इंग्लिश बहुत मुश्किल हो जाएगी समझने के लिए. तो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार ही आपको मीनिंग लेना चाहिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हाउ इज ही टूडे, वो आज कैसा है. यानी हम किसी बीमार या कोई व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, वो आज कैसा है. हाउ इज ही टूडे. हाउ मीन्स कैसा, इज मीन्स है, ही मीन्स वो, और टूडे मीन्स आज. तो हिंदी का हमारा स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो आज कैसा है, लेकिन इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं, कैसा यानी हाउ, वो उसको हम पहले ले लेते हैं, इज यानी है फिर उसको लेते हैं, फिर ही फिर टुडे. तो दोनों का स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, हिज हैंड वॉज डिसलोकेटेड वाइल प्लेइंग वॉलीबॉल. वॉलीबॉल खेलते समय उसका हाथ उतर गया, यानी जॉइंट से हट गया है. हिज हैंड मीन्स उसका हाथ, वॉज मीन्स था, डिसलोकेटेड मीन्स उतर गया था, यानी डिसलोकेट हो गया, हट गया था अपनी जगह से. वाइल प्लेइंग मीन्स खेलते समय. वाइल कहते हैं के दौरान, किसी चीज के दौरान. वाइल ईटिंग ही वॉज वॉचिंग टीवी, यानी खाना खाते समय वो टीवी भी देख रहा था. वाइल के दौरान, वाइल प्लेइंग खेलने के दौरान, खेलते समय. वॉलीबॉल, वॉलीबॉल खेलते समय क्या हुआ, उसका हाथ डिसलोकेट हो गया था. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वेंट टू माथेरान फॉर अ चेंज ऑफ क्लाइमेट. अक्सर डॉक्टर ये देते हैं राय लोगों को कि वो अपना मौसम या माहौल या आबोहवा बदलने के लिए दूसरी जगह पर जाना चाहिए, ताकि उनकी हेल्थ और ज्यादा जल्दी से रिकवर हो जाए. तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, आई वेंट टू माथेरान फॉर अ चेंज ऑफ क्लाइमेट, आबोहवा बदलने के लिए मैं माथेरान गया. तो यहां पर गौर कीजिए, फॉर द चेंज ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट को चेंज करने के लिए. यानी कि तुम क्लाइमेट को चेंज नहीं कर रहे हो, तुम अपनी जगह को चेंज करके खुद दूसरे क्लाइमेट के इसमें जा रहे हो, जोन में, ताकि तुम आसानी से तुम्हारी हेल्थ रिकवर कर पाए. आई मीन्स मैं, वेंट मीन्स गया, जो गो का पास्ट टेंस है, वेंट टू माथेरान मिस माथेरान, मैंने ब्रैकेट में लिखा है को, यानी हम डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे यहाँ सेंटेंस में बोला है कि आबोहवा बदलने के लिए वो माथेरान गया. हमने ऐसा नहीं बोला यहाँ सेंटेंस में कि वो माथेरान को गया, लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं, टू टू जैसे लगाया है यहाँ पे माथेरान को. तो नेक्स्ट है फॉर, फॉर मीन्स यहाँ पर के लिए, और अ चेंज मीन्स बदलने, बदलने के लिए, क्लाइमेट आबोहवा. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, दिस इंजेक्शन विल ब्रिंग योर फीवर डाउन, ये इंजेक्शन आपका बुखार कम कर देगा. दिस मीन्स ये, इंजेक्शन मीन्स इंजेक्शन, दैट इज ऑल्सो इन हिंदी वी यूज द सेम वर्ड, विल ब्रिंग डाउन, कम कर देगा. डाउन मीन्स नीचे लाएगा, कम कर देगा. योर मीन्स आपका, फीवर मीन्स बुखार. नेक्स्ट इज, ही हैज अ हेडेक, उसे सर में दर्द है, या उसे हम ये भी कह सकते हैं उसे सिर दर्द है. ही मीन्स उसके, हैज मीन्स है, हेडेक, अ हेडेक मीन्स सर में दर्द, या उसी को मैंने ब्रैकेट में लिखा है सर दर्द. मीनिंग एक ही होता है, उसके सर में दर्द है या उसे सर दर्द है, मतलब एक ही हो रहा है. तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ही हैज अ हेडेक, हेड एक. कुछ दर्द होते हैं जिसको हम एक कहते हैं, ACHE, एक, जैसे हेड एक, टूथ एक, दांत का दर्द, टूथ एक, वहां हम उसको पेन नहीं कहते, ठीक है. सो विद दिस वी केम टू द एंड ऑफ दिस शॉर्ट वीडियो.
और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। आप अपने अगर दोस्तों का फायदा चाहते हो, उनको फास्ट इंग्लिश सीखना अगर है, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अभी मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत से मोर देन 94% लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जबकि वो डेली वीडियो देख रहे हैं, दे आर एंजॉइंग द वीडियोस। प्लीज, इट डज नॉट नीड एनी मनी टू सब्सक्राइब द चैनल, यू जस्ट हैव टू क्लिक, दैट्स इट। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलता हूँ आपसे कोई नए अच्छे से टॉपिक पर वीडियो बनाते हुए, और आपसे यही गुजारिश है कि आप वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं और मोटिवेट होकर और अच्छे से वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।